It's party time with the न्यू इंडियन okay, एरा इस चैनल में स्वागत है जैसे कि आप लोगों को पता है हमने नॉवेल सेक्शन को पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं सो so, उसी तरीके से हम आज जो है नॉवेल नंबर टू को पढ़ेंगे बिकॉज कल तो हमने नॉवल नंबर वन जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ नोवेल इसको वन शॉट में पढ़ के खत्म कर चुके हैं आई होप आपने कल जो है नोट्स जो मैंने प्रोवाइड की हूँ ग्रुप में उसको डाउनलोड किए होंगे, उसकी और अच्छे से प्रिपरेशन किए हो उसका क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को रीड किए हो सॉल्व करने की कोशिश किए हो आपका नॉवल नंबर वन अगर अच्छे से हो गया है तो हम खुशी खुशी नॉवल नंबर टू की तरफ आज बढ़ सकते हैं ठीक है सो जस्ट सेकेंड एक मिनट चलिए तो स्टार्ट किया जाए आर यू ऑलरेडी टू स्टडी योर नॉवेल नंबर टू टू सर विथ लव तो ये हमने जो है आपकी नॉवल नंबर टू टू सर विथ लव इसको मैंने कल ही बताई थी कि यहाँ पे आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे आपको थियोरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे नॉवल नंबर टू थ्री फोर से थियरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे यानी कि हमको स्टोरी का हर एक पहलू अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि स्टोरी के कौन से पहलू से कौन से एरिया से क्वेश्चन आ जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है सिंपल सी बात ये है, है ना क्या हो गया बाय क्यों बोल रहे हो सेशन तो अभी स्टार्ट हुआ है <laughs> बहुत मस्ती आ रही है आप लोगों को मतलब क्या नावल नंबर वन नहीं पढ़े ना इसलिए <laughs> क्या है ये <laughs> चलिए क्या बात है निशा सानिका संचल अनम सुधेश ग्रेट 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 चलो चलो जल्दी जल्दी आ जाओ नॉवल नंबर टू टू सर विद लव की पढ़ाई शुरुआत कर रहे हैं आज ही पूरा का पूरा पढ़ा दूंगी तो देखो वर्ड टू वर्ड तो बिल्कुल नहीं पढ़ा सकती एक एक वर्ड का मीनिंग बिल्कुल नहीं पढ़ा सकती बिकॉज टाइम की कमी है और साथ ही साथ उतना पढ़ने का अपने पास अभी उतना वो भी नहीं होना चाहिए हम क्या करेंगे जैसा मैंने कल की नॉवल का नोट्स बनाई थी उसी प्रकार से आज भी मैंने आप लोगों के लिए ये नोट्स देने वाली हूँ मैं आपको नॉवल नंबर टू की तो नोट्स को अच्छे से रीड करना है ठीक है मतलब पूरी नॉवल को कन्वर्ट कर दी हूँ कलरफुल नोट्स में तो चलो ये जी आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम समझेंगे कि आपका ये जो नॉवल नंबर टू है इट इज अ ऑटो बायोग्राफिकल नॉवल ऑटो यानी यहाँ पे जो ई आर ब्रेथवर्ड नाम के इंसान है जो आपको दिख रहे हैं ये एक्चुअल में ई आर ब्रेथवर्ड नहीं है ठीक है कोई और है सिडनी पॉटर नाम के इंसान है इन्होंने इनके ऊपर मूवी भी बनी थी ब्रेथवर्ड e. ये जो हम अभी नॉवल पढ़ने जा रहे हैं ये नॉवेल को मूवी में भी कन्वर्ट किया गया है फिल्म में भी कन्वर्ट किया है जिसमें हीरो थे सिडनी पॉटर ठीक है हॉलीवुड के तो याद रखना है आपको चलिए आप बोलोगे कैसे क्वेश्चन आएंगे मैम थियोरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो कैसे कैसे आ सकते हैं आपको बोल सकता है कि देखो भाई इस नॉवल के अंदर दैनहम नाम का एक करेक्टर है इसके बारे में चर्चा करो इसके ऊपर आप जो है कैरेक्टर uh, स्केच करो तो आप क्या करोगे नाम का जो कैरेक्टर है इस स्टोरी में उसने क्या क्या रोल प्ले किया कहां -कहां उसका रोल uh, आया तो वो सब लिख कर आ जाओगे दो मार्क्स का क्वेश्चन हो गया तो आपको चार पॉइंट कैसे भी करके अलग अलग कवर करने हैं ठीक है थीके? तो ये सब प्लॉट पूछ सकता है थीम सेटिंग वगैरह कुछ भी पूछ सकता है या तो कोई सिचुएशन को पूछ सकता है क्या uh, क्या uh, मतलब ई आर ब्रेथवर्ड ने अपने स्टूडेंट को कैसे ठीक किया अभी आपको स्टोरी समझेगी तो आप इससे रिलेट कर पाओगे ठीक है चलिए जी आगे बढ़ते हैं और डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं तो ये इंसान जो आपके स्क्रीन के सामने आपको नजर आ रहे हैं, इनका नाम क्या है इनका नाम है ई आर ब्रेथवर्ड इनका नाम क्या है ई आर ब्रेथवर्ड ई आर का फुल फॉर्म क्या है एडवर्ड रिकार्डो डबल ये होना चाहिए यूस्टर्स एडवर्ड रिकार्डो ब्रेथवर्ड बहुत ही बड़ा नाम है भाई तो हम इनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं ई आर ब्रेथवर्ड ये कौन थे ये एक आ, आ, मतलब ब्रिटिश यानी ब्रिटेन कंट्री में इन्होंने आर्मी में जॉब करते थे यानी ब्रिटेन जो ब्रिटिश अंग्रेज लोग हैं उन लोगों के अंडर में ठीक है बट ब्रिटिश लोग ने इनको धोखा दिए और इनको जॉब से फिर निकाल दिया गया और फिर फिर से जॉब लिया भी नहीं गया ठीक है तो ये क्या करने लगे ये टीचिंग करने लगे ये क्या करने लगे ये एक टीचर बन गए ठीक है क्योंकि उनको कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी क्यों कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी बिकॉज उनका जो कलर था ठीक है वो क्या था दिख रहा है आपको ब्लैक तो उनके साथ क्या फे वो क्या फेस कर रहे थे रेजिज्म फेस कर रहे थे रेजिज्म मतलब क्या होता है अगर कलर के बेस पे कोई इंसान के साथ भेदभाव किया जा रहा है तो उसको रेजिज्म बोलते हैं तो ये कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करते थे तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था ये बोल के कि भाई अलग अलग रीजन देखे उनको ना जॉब में लिया ही नहीं जाता था जैसे कि अपने इंडिया में अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम थी कि जो इंसान लोअर कास्ट का है शेड्यूल कास्ट का है उसको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी इंडिया में है ना कि जॉब नहीं मिल रही है स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है बाहर घूम नहीं सकते तो वही चीज जो है आउट ऑफ इंडिया ब्लैक पीपल लोग के साथ होती थी तो उनमें से एक थे इर ब्रेथवर्ड ठीक है ये चीज आपको याद रखनी है तो अभी हम डिटेल में पूरा पढ़ेंगे मैं आपको बस थीम बता रही थी वो कौन है क्या है अभी देखो इधर पे आ जाओ नॉवल क्या है एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है ये नॉवेल को फिल्म में भी कन्वर्ट किया गया है जहाँ पे हीरो सिडनी पॉटर को रखा गया ठीक है देखो ये अपनी लाइफ में क्या क्या रहे मैंने पहले क्या बताया डिप्लोमेट डिप्लोमेट मतलब क्या जो आर्मी में थे और अपने देश को बचाने के लिए काम कर रहे थे तो ब्रिटिश लोग के अंडर में थे बट उनको फिर धोखा दे दिया गया उनको निकाल दिया गया और फिर लिया नहीं गया ठीक है उसके साथ ही साथ वो एक इंजीनियर भी थे याद रखना इंजीनियर किधर पे काम करते ऑयल फैक्ट्री में काम करते थे ठीक है फिर वहां से भी उनका मतलब इतना डिटेल में बताया नहीं गया बट फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि उधर से भी उनको फिर जॉब वो निकल गए और फिर फिर उनको जॉब नहीं मिली तो उनके बाद क्या बन गए एक टी एक स्कूल में उन्होंने अप्लाई करे वो स्कूल का नाम क्या था ग्रीन स्लेड स्कूल उन्होंने बोले कि कहीं पे जॉब लग नहीं रही है चलो एक स्कूल में ही अप्लाई कर देता हूँ कम से कम टीचर बन जाऊंगा और कुछ सैलरी तो आएगी घर बाहर चलाना है तो एक स्कूल थी ग्रीन स्लेड स्कूल नाम की किधर पे थी लंडन में थी ठीक है उन्होंने उधर पे अप्लाई करी उनको उम्मीद तो नहीं थी कि मेरा होगा बट एकदम अनएक्सपेक्टेडली उनको पता चला कि अरे भाई मेरा तो एक्सेप्ट हो गया है और मुझे अभी ये स्कूल में जाके पढ़ाना है तो वो क्या हो गए गए स्कूल में जाके पढ़ाने लग ठीक है तो वहां पे वो एज अ टीचर जॉब कर रहे हैं तो अपने जो स्टोरी का जो प्लॉट है वो क्या है कि ब्रेथवर्ड e. एक टीचर है कौन से टीचर है वो एक सीनियर क्लास को यानी स्कूल के जो सबसे हाईएस्ट क्लास है ठीक है उसको वो क्या उन वो सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं स्कूल का नाम क्या है ग्रीन स्कूल है ठीक है उसके बाद वो राइटर भी बने मतलब वो जब बुक भी लिखने लगे और स्पेशली सोशल लेवल पे बहुत बुक लिखते थे ठीक है ये चीज याद रखना है क्योंकि उनके साथ जो भी बुरी चीजें हुई उनको क्या क्या लाइफ में फेस करना पड़ा वो सारी चीज वो क्या करने लगे लिखने लगे तो उनका जो लिखने का अंदाज था वो कौन सा था वो था सोशल लेवल पे सोशल लेवल पे ठीक है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो होता था ब्लैक पीपल के साथ उसके ऊपर लिखते थे ओके समझ में आ गया होगा रेसिज्म फेस करते थे अभी देखो अभी इतना अपने को समझ में आ गया है कि जो ई ER आर है वो किधर पे जॉब कर रहे हैं, ग्रीन स्लेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं एज अ टीचर तो ग्रीन स्लेट स्कूल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि उधर के बच्चे कैसे थे ठीक है क्या वहां के बच्चे भोले थे या शरारती थे तो देखो ग्रीन स्लेट स्कूल के जो बच्चे थे ना जो क्लास को पढ़ा रहे थे वो इतने खराब बच्चे थे इतने खतरनाक बच्चे थे कि वो ई आर ब्रैथवट को बहुत ज्यादा परेशान करते थे बोलते थे उनको तो बल्कि चिढ़ाते थे डांटते थे मतलब स्टूडेंट लोग अपने टीचर लोग को जैसे ही ई आर ब्रैथवट अपने क्लास में आएगा तो लोग बैल अपनी बेंच बजाने लगेगे ठीक है चिढ़ाने लगेगे तो बहुत ज्यादा बुलेट करते थे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो थे ई आर ब्रैथवट को बुलेट करते थे जैसे कि आपको इधर पे दिख रहा है ये सारे स्टूडेंट दिख रहे हैं क्योंकि ये सारे स्टूडेंट तो ब्रिटेन के हैं लंदन मतलब लंदन में रहते हैं तो इनका कलर वाइट है और यहाँ के जो टीचर आए हैं इनका कलर तो अलग है तो यहाँ पे जो है इनको एकदम अलग माना जा रहा है और ऊपर से ये सारे जो भी बच्चे इधर पे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे जितने भी सब बच्चे दिख रहे हैं ना बच्चे तो देखने में तो इतने बड़े हैं पर मान लो ऐसे लोग बच्चे हैं तो ये लोग जो है दूसरे स्कूल से फेल होकर इधर पे आए है ऐसा होता है ना कि दूसरे स्कूल में लोग सेवन्थ से एट स्टैंडर्ड में पास ही नहीं हुए उन लोग को निकाल दिया गया फेल हो गए तो ये वाली जो स्कूल थी ग्रीन स्लैड स्कूल लोग को एडमिशन दे दी थी तो यहाँ पे जो भी बच्चे न, भी पढ़ा रहे थे सब फेलियर बच्चे थे तो फेलियर हो गए तो भाई खतरनाक हो गई एक दम बदतमीज थे ठीक है जरा भी मैनर्स नहीं था बहुत सताते थे मुंह बनाते थे पढ़ाते थे तो मुंह बनाना ठीक है गुस्से में देखना समझना नहीं ये सब चलता रहता था तो ईआर आर भी परेशान हो गए बोले कि भाई अब मैं करूँ तो करूँ क्या पूरी जिंदगी जहाँ पे सब मेरे पीछे पड़े हुए कहीं जॉब नहीं मिल रही जॉब मिल भी रही तो वहां पे फिर मेरे को गाली सुननी पड़ती है भाई तो ऐसा सब हो रहा था ठीक है तो यहाँ पे फिर अचानक से ईआर ब्रेथवर्ड को लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये बच्चे सुधर जाए क्योंकि ई आर ने सब कुछ अपना लिए यार जो थे वो कभी भी अपने स्टूडेंट्स को मारते नहीं थे बट स्टूडेंट लोग तो भाई देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने आपकी पूरी बुक को ना नोट्स में कन्वर्ट करी हूँ ये नोट्स आपको मिल जाएगी टेंशन नहीं लेना ठीक है डे वन से हरस करते थे डेक्स को स्लैम करते थे फॉल लैंग्वेज यूज करते थे बहुत ही बुली करते थे और गर्ल्स लोग भी कम नहीं थी गर्ल्स लोग भी बहुत चिड़ाती थी ठीक है तो ई आर ब्रेथवर्ड ने वो सारे बच्चों का बिहेवियर चेंज करने के लिए कौन कौन सी टेक्टिक्स अपनाए कौन कौन सी टेक्निक्स अपनाए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाए कि भाई इन लोगों को मेरे को सुधारना ही पड़ेगा तो देखो लोग ने क्या करे ई आर ब्रेथवर्ड ने अपनी टीचिंग स्टाइल में चेंज लाए ई आर ब्रेथवर्ड ने अपनी टीचिंग स्टाइल में चेंज लाए क्या टीचिंग स्टाइल में चेंज लाए इन्होंने बोले कि भाई मैं क्लासरूम में जाके पढ़ाता हूँ तो लोग मेरी हवा खराब कर मेरी हवा टाइट कर देते तो एक काम करता हूँ मैं इन लोग को बाहर लेके जाके प्रैक्टिकल चीजें पढ़ाता हूँ क्योंकि हम किसी के साथ बाहर जाते हैं घूमते हैं फिरते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा कनेक्शन अच्छा हो जाता है तो ये सोच के वो क्या बोले कि अब मैं जो भी चीज इनको पढ़ाऊंगा कैसे पढ़ाऊंगा बाहर लेके जाके प्रैक्टिकल ले में पढ़ाऊंगा तो लोग जरा मुझे समझेगे मेरे से फ्रेंडशिप करेगे और इन लोग का जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है सब खत्म हो जाएगी ठीक है तो ई आर ने बच्चे लोग को सुधारने के लिए टीचिंग स्टाइल में चेंज लाए क्या करे वो फील्ड ट्रिप जाने लगे एक्सकर्शन जाने लगे म्यूजियम जाने लगे स्टूडेंट को थिएटर लेके जाने लगे ठीक है तो बहुत सारे जो बच्चे थे वहां पे फिर सुधर भी गए और जो लड़की लोग को सर ये जो सर थी ई आर वो मिस नाम से बुलाते थे मतलब जो भी लड़की है उसके साथ उसको ऐसा मिस जूली मिस अ, जोसेफ ऐसा कुछ भी नाम मिस लगाते थे तो उन लोग को ऐसा लगता था कि अरे ये सर हमको रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो हमको भी उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए तो ये सब वो टेक्टिक्स अपना है बच्चों को सुधारने के लिए ठीक है ये सब चीज़ आपको याद रखनी है ये सारी चीज़ आपको रीड भी करनी है जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ बाकी सब नोट से रीड कर लेना ठीक है अभी आप बोलोगे कि उनको जॉब से क्या बोल के भगा दिया जाता था क्या बोलते थे कि भाई देखो जॉब ऑलरेडी फील है तुमको जॉब नहीं मिलेगी तुम बहुत ज्यादा ओवर क्वालिफाइड हो ये सारे रीजन देके के यार ब्रेथवर्ड को जॉब नहीं दी जाती थी ये कुछ आंसर में आपको पूछा तो लिख देना ठीक है अभी देखो होता क्या है आपका जो मेन मेन स्टोरी जो है वो ये है कि ग्रीन स्कूल में 15 नवंबर को गौर से सुनो क्या बोल रही हूँ मेन स्टोरी क्या है ग्रीनस्लैड स्कूल में 15 नवंबर को सुबह 10 बजे एक बड़ा सा प्रोग्राम रखा जाता है वो प्रोग्राम क्या होता है कि ग्रीनस्लैंड स्कूल के अंदर जितनी भी क्लास है क्लास वन से लेके क्लास टेन तक सारे के सारे बच्चे आए गए स्टेज पे और उन्होंने आधा साल क्या पढ़े हैं उसके ऊपर वो लोग प्रेजेंटेशन दे गए गौर से सुनो क्या मैंने बोली ग्रीनस्लेट स्कूल में 15 नवंबर को सुबह दस बजे बड़ा सा प्रोग्राम रखा जाता है जहां पे ये करना होता है कि हर एक क्लास का बच्चा ग्रीनस्लेट स्कूल का जो है वो ग्रुप में आएगा और उनने आधा साल क्या पढ़े हाफ ईयर इसलिए देखो हाफ ईयरली रिपोर्ट नाम है आधा साल क्या पढ़े उसके ऊपर लोग प्रेजेंटेशन देंगे ठीक है तो अब जो है ई आर ब्रेथवर्ट थोड़ा डर जाते बोलते भाई मेरे स्टू, मेरे क्लास के स्टूडेंट तो सबसे खराब है ये लोग तो मेरी हवा टाइट कर देते तो ये लोग स्टेज में जाके भाई मेरा नाम ना बदनाम कर दे तो उनको बहुत डर लगता है बट चलो देखते हैं क्या ई आर ब्रेथवट के क्लास के बच्चे प्रेजेंटेशन अच्छे से देते हैं या नहीं और कौन कौन से ऐसे बच्चे है ई आर ब्रेथवट के जिसका आपकी स्टोरी में नाम मैंशन है ठीक है तो देखो होता क्या है स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको काम दिया जाता है कि भाई देखो आपने जो आधा साल पढ़े हो आपको प्रेजेंटेशन देना है सारे वो ऑडिटोरियम में होता है ठीक है बड़ा सा ऑडिटोरियम बुक किया जाता है सारे का सारे स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल सब बैठे हुए होते हैं ठीक है ठीके? तो स्कूल के सबसे हाईएस्ट क्लास कौन पढ़ा रहे हैं ईआर ब्रेथवर्थ पढ़ा रहे हैं सबसे सीनियर बच्चों को तो सीनियर दो बच्चे होते हैं ठीक है ठीके? दो बच्चों को दर्फ का मॉनिटर बना दिया जाता है बस सब लिखा हुआ है बताऊंगी ठीक है देखो कौन से दो बच्चे होते हैं जोसेफ नाम का जोसेफ नाम की एक लड़की और देनहम नाम का एक लड़का इसको क्या बनाया जाता है मॉनिटर वो ऑडिटोरियम को हैंडल करने का तो ये जो वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं प्रिंसिपल उनका नाम क्या होता है फ्लोरियन ग्रीन स्लेट स्कूल के प्रिंसिपल का नाम क्या होता है फ्लोरियन तो जब सुबह के दस बज जाते हैं पंद्रह नवंबर आ जाता है तो स्टेज पे तीन लोग बैठ जाते हैं कौन तीन लोग बीच में फ्लोरियन बैठा हुआ है कौन है वो प्रिंसिपल स्कूल का। उसके बाद बैठी हुई है, कौन है के क्लास का स्टूडेंट है क्योंकि लोग सीनियर स्टूडेंट है ना सबसे बड़ी क्लास के बच्चे तो उनको बैठाए गए ठीक है फिर जो है प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है ठीक है हेडमास्टर यानी प्रिंसिपल जो है स्पीच से अपनी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और तारीफ करते हैं सब बताते हैं इस प्रोग्राम में क्या होगा क्या नहीं होगा ये सारी चीज़ें चलती है उसके बाद जोसेफ आती है और वो बताती है कि हम जो है इस प्रोग्राम में पूरा का पूरा डिटेल में क्या करने वाले हैं कौन सी टॉपिक कवर करेंगे तो टॉपिक क्या होती है इंटर डिपेंडेंसी ऑफ मैनकाइंड इंटर डिपेंडेंसी ऑफ मैनकाइंड ये लोग का टॉपिक होता है मतलब कि आज के जमाने में सारे के सारे जो लोग है वो सब एक दूसरे पे डिपेंड है फिर वो अलग अलग कंट्री के क्यों ना हो अलग अलग रिलीजन के क्यों ना हो अलग अलग कलर के क्यों ना हो अलग अलग कल, कल्चर के क्यों ना हो सब लोग एक दूसरे पे डिपेंड है और वो बताने की कोशिश करते हैं ठीक है थीके? तो देखो सबसे पहला स्टूडेंट जो होता है पॉटर कौन है ये ये इर ब्रेथवर्ड के क्लास के सब बच्चे लोग हैं ठीक है ये देखेंगे हम इर पॉटर जो होता है मैथ सब्जेक्ट पे आके वो बोलता है पैग जैक्सन ज्योग्राफी पे बोलते हैं आपके पूरा ना मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में लिखा गया है आपके अः इसमें टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे तो है ना डेर और फर्मैन फिजियोलॉजी पे बोलते हैं फिलहाल सब्जेक्ट याद रखो देखो पॉटर जो है मैथ सब्जेक्ट पे प्रेजेंटेशन देता है पैग और जैक्सन मिलके के जोग्राफी पे देते हैं डेर और फर्मैन मिलके फिजियोलॉजी पे देते हैं ठीक है डॉट जो होती है हिस्ट्री जोसेफ जो डोमेस्टिक साइंस देन हम जो होता है वो जो है स्पोर्ट्स सब्जेक्ट के ऊपर करता है और वो तो जो एक टीचर से भिड़ भी जाता है ठीक है वो देखेंगे हम चलो देखो यहाँ पे डिटेल में लिखी हूं मैंने ठीक है ये नोट्स आपको मिल जाएगी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है बार बार बता रही हूं ठीक है नोट्स मिल जाएगी सेशन को लाइक कर दो आई विल काइंडली रिक्वेस्ट अगर आपको सेशन पसंद आता है आपको एक्साइटमेंट अपना दिखाना है टीचर्स को मोटिवेट करना है तो प्लीज यार अपना लाइक like ठोक दिया करो आपके लाइक बहुत पसंद है हमको और कुछ नहीं तो यहाँ पे जो है देखो सब्जेक्ट और कौन सा बच्चे सारे जो बच्चे के नाम है कौन से है ई आर ब्रैथवर्ट के क्लास के बच्चे है जो वही है ना सबसे शरारती बच्चे आ जाओ अब देखो यहाँ पे डिटेल में लिखा होता है कि भाई जोसेफ जो होती है वो क्या क्या बारे में बताती है ठीक है फिर उसके बाद पॉटर आता है अरेथमेटिक सब्जेक्ट के ऊपर वो क्या क्या बोलता है कि किलोग्राम क्या होते हैं मतलब मुझे नहीं लगता कि ये इतना इंपॉर्टेंट है ठीक है अगर आप इसको एक बार रीड कर लोगे फिर थोड़ा तो अपने मन से भी लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा ठीक है देखो पॉटर नाम का एक लड़का आता है अरेथमेटिक यानी वो मैथ सब्जेक्ट के ऊपर प्रेजेंटेशन देता है वो क्या टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा है वो भी आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है सोचो कि वो किलोग्राम पाउंड मीटर फुट ये सब चीजों को बताता है ठीक है सेपियनो जो है वो आता है नेचर नेचर स्टडी के ऊपर बोलता है क्या टॉपिक कवर करता है पेस्ट के बारे में ये ब्लैक रोट जो होते हैं ये आपको दिख रहा है ब्लैक रोट है बॉल कॉटन के ऊपर जो लग जाते हैं कीड़े पोटैटो के ऊपर जो कैलो बेटल लग जाते कीड़े इंसेक्ट है ये इसके ऊपर आके ये इंफॉर्मेशन देता है ठीक है फिर पैग और जैक्सन जो होते हैं जोग्राफी सब्जेक्ट पे बोलते हैं मिनरल वेजिटेबल ये सब रिफ्यूज मतलब पूरा समझ रहे हो इसको रीड करने वाली चीज है समझाने वाली चीज तो है नहीं तो बस जो समझाने वाली चीजें बता रही बाकी सब आपको रीड करना है फरमान जो होता है याद रखना आपको बेस्ट प्रेजेंटेशन का मिलता है ना कि इसने सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन दिया तो पूरा का पूरा ऑडिटोरियम में सारे के सारे बच्चे इतने सारे बच्चे आए इतने सारे बच्चों ने प्रेजेंटेशन दिया तो सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन किसने दिया था याद रखना फरमान ने क्यों भाई इसने ऐसा क्या अलग कर दिया इसने जो है प्रेजेंटेशन को सिर्फ एक्सप्लेन नहीं किया उसने अपने प्रेजेंटेशन को सिर्फ रीड नहीं किया उसने प्रैक्टिकल वे में अपने प्रेजेंटेशन को समझाया क्या प्रेजेंटेशन था फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी क्या करता है स्केलेटन दो बच्चे को स्टेज पे बुलाता है वेल्श और एलिसन नाम के दो बच्चे होते हैं उन लोगों को स्टेज पे बुलाता है लोग क्या लेके आते हैं अपने हाथ में ये लेके आते हैं भाई है, ये क्या है ये एक स्केलेटन होता है जो इसमें लटक रहा है ठीक है और वो फरमान जो होता है वो टीचर लोग से पूछता है और सारे का सारे स्टूडेंट मतलब तो वहां पर जितने भी लोग बैठे सबसे पूछता है कि क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि या, मेरे पास ये जो स्केलेटन इधर पे लटक रहा है ये कौन से रिलीजन का है या ये कौन से कंट्री का है इसका कल्चर क्या है इसका कलर क्या था बॉडी का इसके बाल के कलर क्या थे क्या कोई मुझे बता सकता है तो सब लोग शांत हो जाते हैं सब कोई इसका आंसर नहीं दे पाता ठीक है वो बोलते हैं क्या कोई मुझे बता सकता है ये जो स्केलेटन इधर पे लगा है ये चाइनीज था फ्रेंच का था जर्मन था ग्रीक था ब्राउन था वाइट था या सावला था कैसा था तो सब लोग शांत हो जाते हैं और कोई कुछ नहीं बता पाता बस वो इतना बता देता है कि भाई ये मतलब वो बस जेंडर बता देता है कि ये किसका है या फीमेल है ठीक है फीमेल है बाकी कोई कुछ नहीं बता पाता यानी वो कंक्लूजन क्या देता है कि हम क्यों फिर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और इतना ज्यादा अलग अलग कल्चर ये वो ये वो पे पड़ जाते हैं एट दी एंड जो रिजल्ट uh, है तो हम तो पहचान ही नहीं पा रहे इट मींस वी ऑल आर सेम बस हम ऊपर से अलग दिखते हैं अंदर से हमारा जो भी ढांचा है अंदर से जो हमारा भी बेस है अंदर से हर एक इंसान का जो फाउंडेशन है वो सेम है वो ये बताने की कोशिश करता है ठीक है तो यहाँ पे इतवर्ट एकदम शॉक्ट हो जाते हैं बोलते मैं पूरी लाइफ जो प्रॉब्लम फेस कर रहा था डिस्क्रिमिनेशन की मेरे बच्चे लोग मेरे स्टूडेंट्स लोग आके उसके ऊपर इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो खुश हो जाते एकदम शॉक्ट हो जाते कि मेरे जो स्टूडेंट है वो इतने अच्छे से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं एकदम सरप्राइज हो जाते फिर इ आर ब्रथवर्ट को रियलाइज होता है कि मैंने जो भी अपने टीचिंग स्टाइल में चेंज लाया था मैंने जो भी बदलाव किया वो सब कुछ रंग लाया मेरे जो स्टूडेंट है लोग ने मेरी शान रख ली है और अच्छे से लोग ने प्रेजेंटेशन दिए है बहुत ही अच्छा ठीक है ये सब होता है और फिर जो है मिस डर दूसरी स्टूडेंट आती है वो भी फिजियोलॉजी पे बोलती है मतलब ये जो फरमान का जो होता है ना प्रैक्टिकल इससे बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं ताली बजाते हैं उसको मस्त होता है वो ठीक है बाकी सब तो आके बस रीड करके जा रहे हैं डॉड नाम की एक लड़की होती है वो हिस्ट्री के ऊपर प्रेजेंटेशन देती है रिफॉर्मेशन ऑफ इंग्लैंड के बारे में वो बताती है ठीक है नाम का एक स्टूडेंट होता है वो स्टेज पे आता है और पीटी और गेम्स के ऊपर भाई वो खतरनाक तरीके से बोल बोलता है क्या बोलता है कि देखो भाई हमारे ग्रीनस्लेट स्कूल में आपने पीटी सब्जेक्ट रखे हो पीटी में एक्सरसाइज करने होती है वन टू थ्री फोर है हाँ ना तो इससे हम जैसे जो स्टूडेंट है इसका तो कोई फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि पीटी जो सब्जेक्ट है फिजिकल ट्रेनिंग यहाँ पे डेली अगर हम पीटी को करें डेली फिजिकल ट्रेनिंग करें तो उसका रिजल्ट समझ में आता है हमारे स्कूल में हफ्ते में एक दो बार पीटी सब्जेक्ट रखा गया है वो भी आधे घंटे के लिए तो करके मतलब ही नहीं है इससे अच्छा पीटी सब्जेक्ट हटाओ और कोई गेम रखो ना फुटबॉल रखो कबड्डी रखो खो खो रखो इससे आप कम टाइम भी रखोगे हफ्ते में एक दिन भी वो रखोगे गेम्स कोई तो हम आधा घंटा भी खेल के हमारी बॉडी में क्या होगा चेंजेस आएगा क्योंकि उसमें भागना दौड़ना और सब पड़ता है ना तो देन हम क्या बोल रहा था अपने स्कूल वालों को अपने प्रिंसिपल अपने टीचर को क्रिटिसाइज कर रहा था कंप्लेन कर रहा था कि हमारे स्कूल से पीटी सब्जेक्ट हटाओ और उसके बदले में गेम रखो पीटी जो है वो छोटे छोटे बच्चे लोग के लिए है हम जो बड़े सीनियर स्टूडेंट है वो लोग को पीटी सब्जेक्ट नहीं करना है ठीक है तो ये सारी चीज सुन के जो दूसरे बच्चे होते वो भी खुश हो जाते क्योंकि सबको गेम खेलना पसंद है ना पीटी वन टू थ्री फोर करना किसको पसंद है तो सब लोग उसको क्या करते चीयर कर रहे थे देन हम देन थे मतलब उसको एकदम चीयर कर रहे थे कि और बोल और बोल है ना क्योंकि वो सबके सपोर्ट में बोल रहा था एकदम गुस्सा हो गया था एकदम भड़क गया था टीचर लोग पे तो फिर एक टीचर होती है ठीक है कौन होती है वो मिस फिलिप नाम की एक टीचर होती है वो उसका जवाब देती है किसका जवाब देती है देनहम का ठीक है मतलब ऐसा एंड में डिसाइड किया जाता है कि सब बच्चों का जब प्रेजेंटेशन हो जाएगा तो उसके बाद तीन टीचर स्टेज पे आएंगे ठीक है एक टोपी में सब टीचर का नाम डाला जाएगा एक एक करके कोई भी तीन टीचर का नाम जिसका भी आया वो तीन टीचर को स्टेज पे जाना पड़ेगा और जो भी बच्चे सवाल पूछ रहे हैं उसका आंसर देना पड़ेगा तो देन हमने सवाल पूछ दिया उसने बोला कि भाई पीटी सब्जेक्ट हटाओ ये एक गेम रखो और पीटी सब्जेक्ट रख के क्या मतलब है तो ये जो कौन तीन टीचर स्टेज पे आते हैं मिस फिलिप्स मिस्टर वेस्टर्न और मिसेस डेल इवान ये तीन टीचर स्टेज पे आते हैं जब जो देन हम सवाल पूछता है ठीक है तो क्या होता है फिलिप्स जो होती है उसका आंसर देती है क्या आंसर देती है देखो सबसे पहले तो ये जो देन हम होता है ना भाई ये बहुत ही बॉडी बिल्डर टाइप का लड़का होता है ठीक है कुछ कुछ होते हैं ना लड़के एट नाइन्थ टेंथ स्टैंडर्ड में जिम लगा लेते हैं या आ, मार्शल आर्ट्स करते हैं बॉक्सिंग करते हैं तो की बॉडी अच्छी खासी बन जाती है तो देन हम भी वैसा एक लड़का है ठीक है जहाँ पे उसकी जो बॉडी अच्छी खासी है तो आ, ये जो फिलिप्स नाम की टीचर होती है वो उसको बोलती है कि देखो भाई तुम्हारी बॉडी तो फिर भी अच्छी खासी है, है ना और जो ये पीटी सब्जेक्ट है ठीक है हम जो है आप लोगों को क्या कर रहे हैं आप स्कूल के बाद अपनी जिंदगी में जब आगे बढ़ोगे तब बहुत सारी लाइफ में आपकी सिचुएशन ऐसी आएगी जहाँ पे आपको कोई चीज चाहिए होगी बट वो आपको नहीं मिलेगी तो उस मोमेंट में आपको कैसे हैंडल करना है सिचुएशन को ये आपको आना चाहिए और वही चीज के लिए हम आपको अभी से प्रिपरेशन कर करा रहे हैं भाई देखो फिलिप्स कितनी चालाक है मतलब बात को कैसे पलट रही है बात को कैसे

तो उसकी बोलती बंद कर देती है और फिर वो भी और बहुत आर्ग्यूमेंट करता है बताता है ये वो तो का चलता है आर्ग्यूमेंट बट एंड में फिलिप्स जो होती है बोलती बंद कर देती है और फिर वो भी बेचारा चुप हो जाता है ठीक है तो यहाँ पे ये पूरी कहानी बस चलती रहती है सब होता रहता है ज्यादा कुछ है नहीं इसमें ठीक है आप रीड करो नोट्स को टेक्स्ट बुक को रीड करो जो जो मेन पॉइंट्स है बस मैं वो बता रही हूँ बाकी सारी चीजें आपको नोट से ही रीड करनी है ओके ये सारी चीज़ें लोग का आर्ग्यूमेंट होता है बेचारा चुप हो जाता है और फिर उसके बाद देखो क्या बोल के देखो द होल टाइम टेबल इन द स्कूल इज टू हेल्प यू यू इन वर्ल्ड आफ्टर लीव जो मैंने आपको बताई ना बड़ी खतरनाक टीचर होती है लपेटे में ले लेती है है ना इतनी बड़े ऑडिटोरियम में तो यहाँ पे जो ई आर ब्रेथवर्ड सब देख रहे होते हैं बैठ के बोलते हैं भाई क्या खतरनाक टीचर है भाई ये फिलिप्स बेचारा देनहम की बोलती बंद कर दी तो दे चुप होके बैठ जाता है और फिर जो आर e. ब्रेथवर्ड होते हैं वो फिलिप्स के बारे में क्या बोलते हैं पता है इ आर ब्रेथवर्ड जो होते हैं मिस फिलिप्स को बोलते हैं कि ये मिस फिलिप्स तो एक ऐसी बिल्ली है गौर से सुनो लास्ट में वो क्या बोलते हैं ई आर ब्रेथवर्ड फिलिप्स को क्या बोलते हैं कि ये फिलिप्स तो एक ऐसी बिल्ली है जो क्या करती है एक बेचारे छोटे से आ, मुर्गी का जो बच्चा होता है इसको हम चीक बोलते हैं है ना जो बिल्ली होती है ना जो मुर्गी के छोटा सा बच्चा होता है इतना सा उसको पूरा खा लेती है और उसके पर तक नहीं छोड़ती पूरा का पूरा खा लेती है तो यार ब्रैथवर्ड बोलते हैं ये मिस फिलिप्स ने तो बेचारे देनहम को इस तरीके से खाई जिस तरीके से एक बिल्ली मुर्गे के बच्चे को पूरा खा लेती है उसका फैदर भी नहीं छोड़ती क्योंकि उसने देनहम की सारे के सारे, सारे सवाल का इतना खतरनाक तरीके से आंसर दी कि देनहम कुछ बोल ही नहीं पाया ठीक है तो ये चीज यहाँ पे होती है और फिर लास्ट में हेड मास्टर बस स्टेज में जाते हैं स्पीच को एंड करते हैं सारे के सारे स्टूडेंट की तारीफ करते हैं सबके एफर्ट की तारीफ करते हैं कितना एफर्ट लगाया गया और फिर बस ये जो है अपना नॉवेल एंड हो जाती है बस बस इतनी ही कहानी है और कुछ नहीं है जो जो मेन चीज थी वो मैंने आपको बताई हूँ बाकी जो बीच बीच में एक्स्ट्रा डिटेल्स है वो आपको रीड करना है नॉवेल से जो मैं आपको नोट्स दूंगी नोट्स आपको किधर पे मिलेगी ये वाले नंबर पे आप मैसेज कर दो ठीक है मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी इसकी जो मेरी खुद से मैंने बनाई नाइन सिक्स वन नाइन वन टू डबल सिक्स फाइव फोर ये नंबर पे मैसेज कर दो मैं आप लोगों को हमारा स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप में मैसेज करना है वहां पे आपको ये नोट मैं प्रोवाइड कर दूंगी ठीक है तो देख लो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ जहां पे आपको बोला जाएगा कि फरमान के बारे में कुछ चीजें लिखो तो फरमान ने क्या किया था फिजियोलॉजी के ऊपर प्रेजेंटेशन दिया उसने स्केलेटन लाया उसने सबकी बोलती आ, उसने क्या बोला कि ऑल ह्यूमन आर सेम ये सारी चीजों के ऊपर उसने बातें किया ठीक है अभी आपके एग्जाम देखो क्वेश्चन बैंक के कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं ठीक है ताकि आप लोग जो है थोड़ा सा क्या हो जाओ थोड़ा सा रेडी हो जाओ कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे देखो हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल हाईलाइट द कंडक्ट ऑफ ब्रेथवेट क्लास जस्टिफाई हाफ ईयरली रिपोर्ट में ब्रैथवर्ट के क्लास के जो स्टूडेंट्स थे उनका बिहेवियर पता चल गया का मतलब क्या होता है मैनर्स बिहेवियर है ना क्या बिहेवियर पता चला कि भाई ये लोग तो सुधर गए ये लोग तो इतने मस्ती खोर फेलियर तो दूसरे स्कूल से फेल हो आए और इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिए तो इससे क्या पता चला हाफिले रिपोर्ट में कि यार ब्रेथवर्ड के क्लास के बच्चों का बिहेवियर बदल गया है फरमान का एग्जाम्पल देना देनहम का एग्जाम्पल देना जोसेफ का एग्जाम्पल देना ठीक है कि फरमान ने कितने अच्छे से प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ा समझाया चीजों को जो उसे अपने कितने अच्छे तरीके से पूरा ऑडिटोरियम को रिप्रेजेंट करी सबको स्टेज पे बुलाई देन हमने कितने अच्छे तरीके से अपनी जो बात था पीटीओ गेम का वो रखा ठीक है ये सब चीज आप लिख के अपना आंसर को जस्टिफाई करोगे जस्टिफाई ठीक है इन द क्वेश्चनिंग सेशन देन हम वॉज एक्सप्रेसिंग फ्यू स्टूडेंट्स फीलिंग इन जब क्वेश्चनिंग सेशन चल रहा था क्वेश्चनिंग सेशन किसके बीच में चल रहा था बताइए ना मैंने देनहम और फिलिप्स के बीच में फिलिप्स टीचर है तो उस वक्त क्या क्या बातें बता बोल रहा था पीटी और गेम का जो सीन है वो लिखना है आपको वो तो क्या क्या बोल रहा था कि पीटी भाई क्या करा रहे हो बच्चे लोग का है हफ्ते में एक बार कराते हो उससे अच्छा गेम खिलाओ कबड्डी वबड्डी वो सब लिखना है आपको ठीक है मिस फिलिप्स जो थी उसने सिचुएशन को बहुत ही खतरनाक तरीके से हैंडल करी इफेक्टिवली हैंडल कैसे हैंडल करी वही लिखना है कि उसने क्या बोली कि भाई दुनिया में जब आप स्कूल से बाहर जाओगे तो दुनिया में जब ऐसी सिचुएशन आपके पास आएगी जब आपको कुछ चाहिए होगा तब नहीं मिलेगा तब क्या करोगे उसके लिए हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। ये बोल के उसकी बोलती बंद कर दी ठीक है क्वेश्चन आंसर सेशन को खत्म कर दी उसने राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इवेंट विश टूक प्लेस ऑन फिफ्टीन नवंबर अब यहाँ पे तो देखो एकदम शॉर्ट नोट में आपको जो भी लिखना है लिख सकते हो कि पंद्रह नवंबर को ग्रीनस्लेट स्कूल में जो भी हुआ वो आपको लिखना है कि स्टेज पे फ्लोरियन आया जोसेफ बैठा पूरा जो भी आपको आता है लिख दो क्योंकि सिर्फ दो मार्क्स का है तो आप जो भी पॉइंट कवर करोगे चार अलग अलग पॉइंट कवर करना ठीक है बस इतनी सी बात यहाँ पे थी समझ में आ गया होगा और भी बहुत सारे क्वेश्चन है फरमान वॉज इनोवेटिव एंड ग्रेमेटिक इन हिज प्रेजेंटेशन डिस्कस इन ब्रीफ फरमान के प्रेजेंटेशन के बारे में आपको लिखना है तो क्या लिखोगे कि उसने प्रैक्टिकल तरीके से समझाया उसने स्केलेटन को लाया और उसने सवाल पूछा कि भाई आप क्या कोई पहचान सकता है कि ये कौन से कल्चर का है कौन से कंट्री का है इसका कलर क्या था इसने सवाल पूछा कोई सवाल नहीं दे पा आंसर नहीं दे पाया तो उसने कंक्लूजन दिया कि सब लोग सेम है अंदर से सिर्फ बाहर से सब अलग अलग दिखते हैं बट सबका बेस हर इंसान का जो बेस है फाउंडेशन है अंदर का जो ढांचा है वो सेम है ठीक है तो प्रेजेंटेशन के बारे में बताना है समझ में आ गया होगा ठीक है तो बस यही थी ये नॉवल ज्यादा इसको देखो डिटेल में जितना आप ज्यादा पढ़ने जाओगे उतना ज्यादा टाइम टेकिंग लेगा सिंपल सी बात है क्योंकि अभी अपने पास टाइम कम है बहुत सारी चीजें कवर करनी है तो आप मैं जो नोट्स दे रही हूँ उतना पढ़ो जो मैंने पढ़ाई बस उतना पढ़ो ठीक है तो कुछ डाउट है आप लोगों को बताओ Very nice and emotional too. <laughs> yes, बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एट दी एंड हम जो है कंक्लूजन दे सकते हैं कि कि पे हुआ क्या, क्या कि ER की लाइफ के बारे में है ना तो इर फेस किए जल्दी बताओ ब्रेथवर्ड ER ने अपनी लाइफ बहुत ज्यादा क्या फेस किए रेजिजम फेस किए वो उनका कलर ब्लैक था तो हर जगह से उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था बट इवेंचुअली उनको स्कूल में एज अ टीचर की जॉब मिल गई स्कूल में एज अ टीचर की जॉब मिल गई कौन सी स्कूल ग्रीन स्लेट स्कूल बट वो स्कूल के जो भी बच्चे थे क्या थे स्टूडेंट्स वेयर वेरी ट्रबल सम बहुत ही परेशान करने वाले स्टूडेंट थे तो फिर उन्होंने क्या डिसीजन लिए कि मेको अपने टीचिंग स्टाइल में चेंज कर लाना पड़ेगा या स्टूडेंट को सुधारना पड़ेगा तो ई आर ब्रतवट ने अपने टीचिंग स्टाइल में क्या करे चेंज लाए टीचिंग स्टाइल में चेंज लाए और फिर सारे के सारे बच्चे सुधर गए स्टूडेंट्स जो थे वो क्या हो गए डिसेंट हो गए सुधर गए और जब उन लोग का हाफ ईयरली रिपोर्ट हुआ हाफ ईयरली रिपोर्ट स्कूल में हुआ पूरी स्कूल के सामने 15 नवंबर सुबह 10 बजे तब ये सारे जो बच्चे अब सुधर चुके हैं उन्होंने ई आर की शान रख है और उनका पढ़ाया हुआ एकदम अच्छे से उन्होंने समझा के आए तो यहाँ पे हमको ये समझ में आता है कि ई ER आर को स्टूडेंट इतना सताते थे उसके बावजूद ई ER आर ने अच्छा तरीका अपनाए उस स्टूडेंट को सुधारने वो मार के भी तो सुधार सकते थे मारते डांटते बट कभी भी ई ER आर ने अपने स्टूडेंट को मारे नहीं डांटे नहीं बल्कि प्यार से समझाए रिस्पेक्ट दिए तो गांधी जी का तरीका अपनाए है, है ना गांधी जी का तरीका अपनाए और फिर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ठीक है बस इतनी ही कहानी थी और बीच में बहुत 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 सारे डिटेल्स है जो आप रीड करोगे तो क्लियर हो जाएगा तो बस यहाँ पे अपना ये सेशन एंड होता है कल हम जो है नोवेल नंबर थ्री पढ़ेंगे ठीक है कल हम जो है आपकी नॉवल नंबर जिसका नाम क्या है अराउंड द वर्ल्ड इन एट्टी डेज अराउंड इन एट्टी डेज इसको वन शॉट में पढ़ेंगे ठीक है चलिए कुछ डाउट है मैम मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू राइट द पेपर ऑफ इंग्लिश ऑफ कोर्स जैसे ही अपना सिलेबस पढ़ के खत्म हो जाएगा जैसे ही चैप्टर अभी अपना नॉवेल सेक्शन खत्म हो जाएगा ऑफ कोर्स है है ना बस दो नॉवेल बाकी चैप्टर पढ़ेंगे जैसे ही सिलेबस फिनिश होगा मैं जो है टाइम मैनेजमेंट पेपर प्रेजेंटेशन हाउ टू राइट इंग्लिश पेपर हाउ टू बूस्ट मार्क्स ये सारी चीजें पे हम वीडियोस बनाएंगे ये सारे टॉपिक्स पे टिप्स आपके साथ मैं शेयर करूंगी बट हमारा पढ़ के भी तो होना चाहिए ना और कुछ चाहते हो आप लोग डू यू हैव एनी अदर डिमांड डेट यू वॉन्टेड जो भी बच्चों को ग्रामर में दिक्कत है जो भी बच्चों को ना ग्रामर में दिक्कत है मैं आप लोग से बस रिकमेंड करूंगी कि आप लोग बूस्टर बैच में ज्वाइन हो जाओ बिकॉज बूस्टर बैच में हमारा सारा का सारा ग्रामर वहाँ पे अपार्ट फ्रॉम एक्सप्लेनेशन जो भी चीजें होती है वो उधर पे आपको मिल जाएगी ठीक है तो आप प्ले स्टोर में जा सकते हो अभी भी आपके पास टाइम है बिकॉज मुझे नहीं लगता कि दस दिन पहले आप कुछ चीज खरीदो और फिर दस दिन में फिर पढ़ा, पढ़ के वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा तो प्ले स्टोर में जाके आप एन आई ई एप डाउनलोड करो और वहां पे बूस्टर बैच को एनरोल कर लो ठीक है सिर्फ और सिर्फ थ्री फोर्टी नाइन है इसका प्राइस वन टाइम पेमेंट है और एग्जाम तक आपको उसमें लाइव क्लासेस टेस्ट सीरीज ये सब मिलेगी और इसका एक्सेस जो है लाइफ टाइम रहेगा लाइफ टाइम एक्सेस आपका रहेगा ठीक है चलिए तो बूस्टर बैच फॉर ग्रामर फिगर ऑफ स्पीच कंपोज द पोयम पर्सनल रिस्पॉन्स समरी राइटिंग माइंड मैपिंग ये सारी चीज बूस्टर बैच में हो रही है ठीक है तो वहां पे आप एनरोल कर सकते हैं यस yes, यार आज से एकदम सिर्फ एक मंथ है सोचो कुछ खौफ है दिल में या नहीं है सच सच बताओ आपके माइंड में कुछ एग्जाम को लेके खौफ है भी या नहीं है नहीं है वाह कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो ना खौफ 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 नहीं है <laughs> खौफ, मतलब वो वाले खौफ की बात नहीं कर रही हूँ ना थ्रिल कि भाई हमारा एग्जाम है ट्वेल्थ का, का हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट स्टेज है उसको हमको अच्छे से पार करना है अच्छे से पार तब होगा जब हम उसकी अच्छे से डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करेंगे वो सारी चीजें आपके माइंड में चलेगी तो ही तो आप प्रॉपर स्टेप लोगे अगर आप ऐसी पढ़े हो कुछ सोच ही नहीं रहे हो कि अगले महीने एग्जाम है कुछ पढ़ी ही नहीं है तो फिर आप टारगेट भी नहीं बनाओगे कुछ पढ़ोगे भी नहीं छोड़ते रहोगे दिन वेस्ट करते रहोगे है ना गौथिक मोमेंट <laughs> सही बोले तेजस गौथिक मोमेंट स्टार्ट हो जाना चाहिए आज से भाई काउंट स्टार्ट हो जाना चाहिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बन जानी चाहिए थर्टी डेज हाथ में है इतने इतने सब्जेक्ट है रिविजन के लिए मुझे टाइम देना है प्रैक्टिस भाई प्रैक्टिस के लिए आपको तीन दिन रखने किसी भी हालत में बिना प्रैक्टिस के ऐसी पढ़ के जाओगे एग्जाम में सारी गलती करके आओगे इससे अच्छा प्रैक्टिस के टाइम वो सारी गलती कर लो सुधार लो एग्जाम में कम से कम बच जाओगे कितने बच्चे बस पढ़ के जाते और छोटी मोटी गलती सब एग्जाम में उतार के आते हाँ तो वही है बस मैं वो डर की बात नहीं कर रही हूँ कि आपको डरना है और वो सब नहीं नहीं वैसा डर नहीं आपको अंदर बस एक होना चाहिए कि हाँ मेरा एग्ज़ाम है मुझे पढ़ना है डेडिकेशन दूसरी चीजें छोड़ देंगे ठीक है बाकी तो हम आपके साथ है ही इंग्लिश का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है एग्ज़ाम के एंड तक हम आप, आपके साथ ही रहने वाले हैं बिल्कुल भी उसका टेंशन नहीं लेना एकदम बेफिक्र रहना है न्यू इंडियन एरा आपके साथ हमेशा है हमेशा था और हमेशा रहेगा ठीक है जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट ही नहीं करे कुछ कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट ही नहीं करे तो आप लोग जो भी इम्पोर्ट मतलब टोटल दस अगर आपके कोई चैप्टर है तो छह चैप्टर पढ़ लो कम से कम मतलब ऐसा वर्डन मतलब मुझे दस में से दस पढ़ना है क्योंकि अभी एक महीना आप क्या ही पढ़ोगे है ना कुछ ना कुछ पढ़ना है तो कम से कम कम चीज पढ़ो बट अच्छे से पढ़ लो ऐसा अपना टारगेट रखो कि चलो ठीक है यार मैंने पूरा साल बर्बाद कर दिया बट अभी भी मैं कर सकता हूँ कोई बात नहीं दस चैप्टर है तो दस में से मैं छह चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाता हूँ ठीक है बाकी चार चैप्टर को छोड़ दो आपके मार्क्स ऑफकोर्स अस्सी में से आपको पचास साठ तो मिल जाएंगे ना ऐसा करो जो बच्चे बोल रहे हैं ठीक है ठीक है तो फिर आपको उसके नोट्स में भेज दूंगी जो नंबर पे मैसेज कर दो और ग्रुप में ऐड कर दूंगी नोट्स मिल जाएगी चलिए बाय बाय एवरीवन कल मिलते हैं साढ़े पांच बजे अराउंड द वर्ल्ड इन एट्टी डेज की प्रिपरेशन के साथ बाय बाय टेक केयर एवरीवन टेक केयर बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देख Bye-bye.